का वक्त लग जाएगा। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया, मुख्यमंत्री से जीओआईटी के मसले पर पूछा। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि जीओआईटी 817 का पेपर लीक भी हुआ है और बिका भी है। उन्होंने ये कहा कि इसका रिकॉर्ड विजिलेंस ने जब्त कर लिया है और इस मुद्दे पर कल एजी और सेक्रेटरी लॉ के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितने भी आरोपी हम देखेंगे, अगर उन आरोपियों को जिन्होंने पेपर खरीदा है, बेचा है, जिनके पास पेपर पहुंचा था, अगर इन तमाम कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाए और रेस्ट ऑफ जितने एप्लीकेंट्स हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, इन तमाम बातों पर विचार चल रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि हम रिजल्ट डिक्लेयर करें, ये मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये तर्क दे चुकी है कि जीओआईटी का पेपर लीक हुआ था। ऐसे में चूंकि अब ये मामला पूरी तरह से सब जुडिशियस हो चुका है और अब सरकार को अदालत के समक्ष पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले का क्या करना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर हम एडवोकेट जनरल को बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की खुद पैरवी करने की बात कह चुके हैं, आदेश दे चुके हैं और साथ ही कलम सेक्रेटरी लॉ और एजी के साथ बैठकर इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के इन बच्चों को राहत दी जाए। उधर जयराम ठाकुर की बात की जाए तो धर्म जी और सेक्रेटरी लॉ की मीटिंग बुलाई है और ये कोशिश कर रही है कि सरकार जो 817 का है उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट के है उस सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत की गई है कि 556 की जगह 817 के कोर्ट के केसेस है, उस दृष्टिकोण से इनका स्टे दो पार्टियों के बीच में, सरकार तो इसके तीसरी पार्टी इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए बनी है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें 817 में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उसमें पेपर बिका भी है और पेपर लीक भी हुआ है और जिन बच्चों के लीक हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने जब्त कर लिया है। अब ये देखना है कि क्या उन बच्चों को उस एग्ज़ाम से बाहर निकाला जा सकता है और रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से कल मैंने बैठक में सर ओवरऑल जो पक्ष सरकार रख रही है इन अभ्यर्थियों को लेकर टोटलिटी में क्या भावना है सरकार की? हमारी सरकार की भावना है कि जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा और जो बच्चे 3 साल से लटके हैं उस रिजल्ट को डिक्लेयर करवाया जा सके। हिसाब से आप मुलाकात की आपने और जिस तरह से आपको लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है तो क्या आप नाम किशोरी है और 24 तारीख को अभी हमारे केस को लेकर हाँ बोलो मतलब जोर से बोलो सुनवाई हुई है 24 तारीख को जिसमें हिमाचल सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल वहाँ प्रस्तुत हुए उन्होंने इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है कि इसको रिफ्रेश करते हैं, री एडवर्टाइज करते हैं, तो जो जेओआईटी 817 के अभ्यर्थी थे उनमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि ये क्या हो रहा है कि सरकार क्या चाह रही है, क्या कर रही है, इसमें बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है, इसको लेकर आज हम सीएम से मिले। तो क्या रिस्पॉन्स था सीएम साहब से, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या करेंगे? सीएम साहब ने अभी हमारे सामने एक साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है जो इसमें हैं कल्प्रिट और उनको बाहर करेंगे और जिनका हक है वो उन हक उनको मिलना चाहिए। यानी पॉजिटिव था आपकी तरफ रवैया जो था? अब पॉजिटिव हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं, इतने दिन से आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही मान सकते हैं। कितने अभ्यर्थी हैं आपके और क्या समस्या रही है? 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 21 मार्च 2021 को, 1,18,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और इसमें 19,024 उस रिटर्न में पास हुए थे, चयनित हुए थे। उसके बाद इसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है लास्ट में डीवी 15 नंबर के लिए, उसमें 4300 बंदे चयनित हैं जिनका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सारी प्रक्रिया लगभग पूरी है और ये फाइनल रिजल्ट आना है तो पूरे हिमाचल के 4300 युवा इसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कितनी पोस्ट कितनी है? पोस्ट इसमें 1860 फर्स्ट में एडवर्टाइज हुई थी, उसके बाद कुछ हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद इसमें जो है 1400 कुछ प्रोसेस बना था। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोसेस इसमें मतलब फाइनल स्टेज में भर्ती है, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो भी है इसमें करना है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे और जो अपॉइंटमेंट है
वो उसका प्रोसेस शुरू करें। नहीं आप 24 इंतजार करेंगे, 24 तारीख तक इंतजार करेंगे अब आप कि क्या, क्योंकि कल जो मीटिंग बुलाई है। देखो जब से ये स्टेटमेंट आई है तो हमारे काफी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कैंसिलेशन की बात एक तरह से जो भी है एक मतलब पैनिक क्रिएट हो गया है, हजारों युवा इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हुजूम है। मैं खुद काफी दूर से आया हूँ, मैं खुद चंबा से आया हूँ, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। सीएम साहब कह रहे हैं कि कुछ जो है वो पेपर लीक हुए हैं 817 के, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है, पूछताछ चल रही है। अगर मान लीजिए कि पेपर सच में लीक हुआ है जो जांच चल रही है, तो क्या जो है वो आपका रिजल्ट निकलना चाहिए, उनका जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ उन पर करो ना कार्रवाई। अभी आपने देखा कई जगह आप देखते हैं कि कई मान लो हमीरपुर स्टाफ में देख लो आप, ठीक है, वहाँ पर भी तो कुछ हुआ नहीं है कि भाई लोगों ने कुछ कर्मचारी ने किया, तो वही कर्मचारी है ना जो कल्प्रिट थे, सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड तो नहीं हो गए। तो हमारे केस में जो अगर कोई कल्प्रिट है भर्ती में तो आप उसको बाहर कर दो, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लोग इसमें हैं आप उनको बाहर करो। हमने तो 4 साल से इन भर्तियों में इतने लगे हैं, तो अगर कोई 10 बंदे 20 बंदे 15 जितने भी हैं उनको बाहर करके बाकी को रिजल्ट दे दो जो निर्दोष हैं, जिन्होंने 4-4 साल अपनी जिंदगी के वहाँ लगा दी। पेपर रद्द नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, रद्द होने के लिए हम इसमें पूरी लड़ाई नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिले हैं, सेटिस्फाई है आप? नहीं हम सहमत नहीं बोल सकते हैं, ना हम असहमत है ना सहमत है, क्योंकि अभी सीएम ने बोला है कि हम बात करेंगे इसको। जब सीएम को भी इस चीज का पूरा भी नहीं था ध्यान नहीं थी ये चीज, जब वो अपने ध्यान में लाएंगे वो बात करेंगे, हम भी उनकी तरफ देखेंगे बात करके क्या इसमें। अब किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं आप लोग, 3 से 4 साले होगी ये लगभग इस प्रक्रिया को? 2018 में जो है एडवर्टाइज हुई थी तब से हम इस में लगे हुए हैं। अब आप देखो 3 भर्तियां हैं जेओए की जो फंसी हुई हैं, जिनकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, कोई इनिशियल स्टेज की भर्तियां नहीं है, मतलब फाइनल की प्रक्रिया सारी पूरी, जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करना है। 3 भर्तियां हैं 817, 903, 939, हजारों युवा इसमें फंसे हुए हैं, तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेंटल हरासमेंट हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी गेट पर चले जाओ हर एक अधिकार जानता है जी आप जेओए वाले हैं, इतना चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। किसी ने और ने तो नहीं बोलना, साहब से आप मुलाकात की आपने और जिस तरह से आपको लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है तो क्या आप? हाँ नाम किशोरी है और 24 तारीख को अभी हमारे केस को लेकर, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, मतलब जोर से बोलो, कोर्ट में सुनवाई हुई है 24 तारीख को, हाँ, जिसमें हिमाचल सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल वहाँ प्रस्तुत हुए, उन्होंने इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दी है कि इसको रिफ्रेश करते हैं, री एडवर्टाइज करते हैं, तो जो JOIT 817 के अभ्यर्थी थे उनमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि ये क्या हो रहा है, कि सरकार क्या चाह रही है, क्या कर रही है, इसमें बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है, इसको लेकर आज हम सीएम से। तो क्या रिस्पॉन्स था सीएम साहब से, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने, क्या करेंगे? सीएम साहब ने अभी हमारे सामने एक साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है जो इसमें हैं कल्प्रिट और उनको बाहर करेंगे और जिनका हक है वो उन हक उनको मिलना चाहिए। यानी पॉजिटिव था आपकी तरफ रवैया जो था? अब पॉजिटिव हम पॉजिटिव ही मान सकते हैं, इतने दिन से आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही मान सकते हैं। कितने अभ्यर्थी हैं आपके और क्या समस्या रही है? 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 21 मार्च 2021 को, 1,18,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और इसमें 19,024 उस रिटर्न में पास हुए थे, चयनित हुए थे। उसके बाद इसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है लास्ट में DV 15 नंबर के लिए, उसमें 4,300 बंदे चयनित हैं जिनका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हैं और ये फाइनल रिजल्ट आना है, तो पूरे हिमाचल के 4,300 युवा इसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कितनी पोस्ट रही, पोस्ट कितनी है? पोस्ट इसमें 1860 फर्स्ट में एडवर्टाइज हुई थी, उसके बाद कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद इसमें जो है 1400 कुछ प्रोसेस बना था। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोसेस इसमें मतलब फाइनल स्टेज पर भर्ती है, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो भी है इसमें करना है जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे और जो अपॉइंटमेंट है वो उसका प्रोसेस शुरू करें। नहीं आप 24 इंतजार करेंगे, 24 तारीख तक इंतजार करेंगे अब आप कि क्या, क्योंकि कल जो मीटिंग बुलाई है। देखो जब से ये स्टेटमेंट आई है तो हमारे काफी सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कैंसिलेशन की बात एक तरह से जो भी है एक मतलब पैनिक क्रिएट हो गया है, हजारों युवा इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हुजूम है। मैं खुद काफी दूर से आया हूँ, मैं खुद चंबा से आया हूँ, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या करना। सीएम साहब कह रहे हैं कि कुछ जो है वो पेपर लीक हुए हैं 817 के, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है, पूछताछ चल रही है। अगर मान लीजिए कि पेपर सच में लीक हुआ है जो जांच चल रही है, तो क्या जो है वो आपका रिजल्ट निकलना चाहिए, उनका जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ उन पर करो ना कार्रवाई। अभी आपने देखा कई जगह आप देखते हैं कि कई मान लो हमीरपुर स्टाफ में देख लो आप,
ठीक है, वहाँ पर भी तो कुछ हुआ नहीं कि भाई लोगों ने कुछ कर्मचारी ने किया, तो वही कर्मचारी है ना जो कल्प्रिट थे, सारे के सारे कर्मचारी सस्पेंड थोड़े हो गए। तो हमारे केस में जो अगर कोई कल्प्रिट है भर्ती में तो आप उसको बाहर कर दो, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लोग इसमें हैं, आप उनको बाहर करो। हमने तो 4 साल से इन भर्ती में इतने लगे हैं, तो अगर कोई 10-15, 20-15 जितने भी हैं उनको बाहर करके बाकी रिजल्ट दे दो जो निर्दोष हैं, जिन्होंने 4-4 साल अपनी जिंदगी के वहाँ लगा दी। पेपर रद्द नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, रद्द होने के लिए हम इसमें पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आप नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, हम सहमत नहीं बोल सकते हैं, ना हम असहमत है ना सहमत है, क्योंकि अभी सीएम ने बोला है कि हम बात करेंगे इसको। जब सीएम को भी इस चीज का पूरा अभी नहीं था, ध्यान नहीं थी ये चीज, जब वो अपने ध्यान में लाएंगे वो बात करेंगे, हम भी उनकी तरफ देखेंगे बात करके क्या इसमें। अब किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं आप लोग, 3 से 4 साल होगी ये लगभग इस प्रक्रिया को? 727 करके 2018 में जो है एडवर्टाइज हुई थी, तब से इसमें लगे हुए हैं। अब आप देखो 3 भर्तियां हैं जेओए की जो फंसी हुई हैं, जिनकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, कोई इनिशियल स्टेज की भर्तियां नहीं है, मतलब फाइनल की प्रक्रियाएं सारी पूरी, जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करना है। 3 भर्तियां हैं, 817, 903, 939, हजारों युवा इसमें फंसे हुए हैं, तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेंटल हरासमेंट हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी गेट पर चले जाओ, हर एक अधिकारी जानता है जी आप जेओए वाले हैं, इतना चक्कर लगा लगा के थकते हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। किसी ने और ने तो नहीं बोलना।